味道。王爷，不必这样。Excuse me, sister. Yes. मैं डॉक्टर सेन, डॉक्टर कौशिक सेन. मुझे इस पेशेंट के केस की फाइल देखनी है. सॉरी डॉक्टर, इनका केस तो श्योर कोई और डॉक्टर हैंडल कर रहा है. सिस्टर, मैं SBN न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल से. वहां पे पायल हमारे खास केस की स्टडी है और इसलिए मुझे इनकी फाइल देखने की जरूरत है ताकि उनके केस को, उनके ट्रॉमा को समझ सके. आई एम श्योर आप इस नेक काम में मेरी मदद जरूर करेंगे. या श्योर, आइए. Thank you, sister. ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान खुद हाजिर हो गया. ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? दावत है सर. एक्चुअली एक खुशखबरी है. Really? तो फिर सुनाओ भाई. कहते हैं खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं. मैम, ये पायल की रिपोर्ट. उसके ब्रेन का हिस्सा जो उसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और अब इसका कोई इलाज नहीं. पायल मित्रा अब कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी. Fantastic, fantastic! This is great news. Wait, this calls for celebration. What say, Sakshi? अरे भाई, मैं तो कहता था सब अच्छा होगा. अब तुम अपना हाथ अपने दिल पर रखकर एक लंबी सांस लेकर कह सकते हो. All is well because all is well, huh? एक्चुअली मैम, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और अब सर ये कह रहे हैं कि आपका काम खत्म हो गया है, अब जा सकते हैं. गुड नाइट सर. गुड नाइट मैम. दिस इज जस्ट फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. बाबा, आपकी प्लांट की हुई झूठी मेडिकल रिपोर्ट को देखकर गोइंकास खुशियां मना रहे होंगे. पायल को लेकर बेफिक्र भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे उन लोगों के चेहरे पर स्माइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन करो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट तो क्या रंग उड़ जाएगा. गुड आइडिया बाबा, थैंक्स फॉर द आइडिया. यू आर वेलकम. अरे I'm okay. दुर्गा, इस वक्त? Yes, दुर्गा. जी मिसेस गोइंका, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी इतनी रात को फोन करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं बात जरूरी हो तो वक्त का ख्याल नहीं करना चाहिए. तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कहते हैं दुर्गा. क्या बात है? कल सुबह अगर आप फ्री हैं मिसेस गोइंका, तो क्या कल हम मिल सकते हैं आपके ऑफिस में मीटिंग के लिए? कल सुबह? कोई खास बात? जी मिसेस गोइंका, आपसे कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी इसलिए. कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात है? कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने हैं मिसेस गोइंका, जो आपके साथ शेयर करने हैं. लेकिन फोन पे नहीं, फेस टू फेस मिलकर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आगे जाकर हमारे बीच
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऑफ कोर्स, टुमारो इज फाइन, कल मिलते हैं फिर 11 बजे। परफेक्ट मिसेस गोइंग, एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्या कह रही थी वो? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और आमने सामने मिलना चाहती है। राजनाथ, मुझे लगता है वो ये डील कैंसिल करने जा रही है। शिट, शिट। कहा था ना मैंने, दुर्गा और पायल की तस्वीर नहीं भेजनी चाहिए थी। क्या हुआ उसका? चले गए अपनी साहिबजादे अपनी सफाई देने के लिए। जो बात बड़ी नहीं होनी चाहिए थी आज इतनी बड़ी हो गई है वो। और तुम, यू, 2 साल पुरानी की गई गलती आज मुझे बहुत भारी पड़ रही है। शौर्य, दिस डील मींस एवरीथिंग टू मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैंसर प्रोजेक्ट के साथ मेरा नाम जुड़ेगा तभी इस शहर की पब्लिक मेरे पॉलिटिकल कैंपेन के साथ जुड़ेगी, तभी मेरा पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारी मॉम जो सोच रही है ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और उसके जिम्मेवार तुम होगे। अंजाम होगा ये मैं भी नहीं जानता।